हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जे आर अप। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले तो आप सभी का फिर से स्वागत है पेपर वन की मस्टनो सीरीज़ में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है संविधान में एनवायरनमेंट से संबंधित जितने भी मुख्य आर्टिकल्स हैं उनको हम कवर करेंगे। बहुत छोटा सा सेशन है, 3 से 4 मिनट का सेशन होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड अक्सर आपके सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो पिछला जो सेशन हुआ था उसमें मैंने एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको बता दिए थे, और इस सेशन में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा सेशन है, काफ़ी लाभदायक होगा आपको, तो लास्ट तक इसको देखना है। उससे पहले बात कर लेते हैं जे आर एफ अड्डा ऐप के बारे में। अगर आपने जे आर एफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जे आर एफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और यहाँ पर आपको UGC नेट, NCSIR नेट के जितने भी कोर्सेज हैं वो सब अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कैप्सूल कोर्स आपका चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेट की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो आपको मिलते हैं पेपर वन के लिए। तो अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो लॉ बुक ऑफ इंडिया है, उसमें पर्यावरण की संरक्षण से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और किस आर्टिकल में दिए गए हैं, ये हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण जो संरक्षण है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो लास्ट क्लास में हायर एजुकेशन से रिलेटेड यानी एजुकेशन से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड। ठीक है जी, तो सीधा चलते हैं पर्यावरण वाले में, क्योंकि हायर एजुकेशन का हम कर चुके हैं पूरा। तो सबसे पहले तो देखिए, यहां पर आपके 7 एक्ट हैं जो कि भारत सरकार ने इनेक्ट किए हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये 7 एक्ट हैं जो आपको याद रखना है। एक तो है दोस्तों वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब हमारे यहाँ पे सिलेबस में आपका जो डायरेक्टली दिया गया है वो ये है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसको मैं ऑलरेडी आपकी पेपर वन की मसनू सीरीज में कवर कर चुका हूँ, तो एक बार आप इसको खुद दोबारा से जाके देख लेना, वहां पे आपको पूरा समझाया गया है। ठीक है, ईपी एक्ट। अब जो संविधान में हमारे अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो जी, पहला तो है हमारा जो अनुच्छेद है वो है आपका, यहां पर आप देखेंगे आर्टिकल 48A एंड 51A जी, है ना। ये आपका डीपीएसपी में दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आपका दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था दोस्तों 1976 में, यहां पर एनवायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, मतलब राज्य को यह आदेश दिया गया था कि आप आर्टिकल 48A संविधान में जोड़िए एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और इसके तहत क्या बोला, इसके तहत बोला द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कि भाई ये राज्य की ड्यूटी है आपकी कि आप हमारे जितने भी देश के फॉरेस्ट हैं, वन हैं, हमारी जितनी भी जैव विविधता है, वाइल्ड लाइफ है, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। इसके लिए आप देखते होंगे अभी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, ये सब आपके आर्टिकल 48 के तहत ही गवर्नमेंट है इनको प्रोटेक्ट कर रही है। फिर ऐसा ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिटीजन पे भी डाली, ये तो भाई सरकार के ऊपर डाली है ना, ये तो किसके ऊपर है, राज्य के ऊपर। अब ये है हमारे लोगों के ऊपर है ना, लोगों को क्या बोला कि भाई देखो सरकार की नहीं आपकी भी जिम्मेदारी है ये, है ना, इम्पोज अपॉन एवरी सिटीजन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हम सबकी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हम सब की ये ड्यूटी है कि हम हमारे जंगलों को बचाएं, हमारी जो लेक्स हैं, हमारी जो नदियां हैं, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, इन सब को हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें, ये हम सब की ड्यूटी है।
फिर आपका आर्टिकल 253 जो है ये क्या देता है दोस्तों, ये संसद को क्या देता है, ये संसद को शक्ति देता है कि आप पर्यावरण से संबंधित क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ये बोलता है आर्टिकल 253, और ये भी आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में आपका आर्टिकल 14 एंड 19 क्लोज 1 GB आपका किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या है कि यहां पर जो एनवायरमेंटल जो राइट्स हैं उनकी बात ये करते हैं आपके। अब सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव फॉर हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। राइट टू लाइफ की बात करता है आर्टिकल 21, और राइट टू लाइफ कब मिलेगी, जब हमें क्लीन एयर मिलेगी, क्लीन एयर मिलेगी है ना, क्लीन वाटर मिलेगा है ना, तभी तो हम जिंदा रहेंगे है ना, साफ एनवायरनमेंट मिलेगा तभी हम जिंदा रहेंगे, ये बोलता है आर्टिकल 21, ठीक है जी। और इसी आर्टिकल से हमें राइट टू लाइफ है वो भी आपका फ्लो होता है ना। अब आर्टिकल 253 जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि संसद को क्या देता है, संसद इस आर्टिकल 253 के तहत गवर्नमेंट को बोलता है कि आप कानून बना सकते हैं। तो यहां पर आपका कानून जो बना था वो बना था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है गाइस है ना। तो ये थे आपके एनवायरमेंट के मुख्य मुख्य आर्टिकल्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं है ना। एक तो देखिए आर्टिकल 14 एंड 19 क्लोज जी, फिर आपका जो आर्टिकल है आर्टिकल 21, फिर है आपका आर्टिकल 48A, फिर है आर्टिकल 51A जी, फिर है आर्टिकल दोस्तों आपका आर्टिकल 253। ये आर्टिकल्स हैं आपके किससे रिलेटेड हैं, ये संविधान में एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल्स हैं आपके, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या है ये आपके आर्टिकल्स हैं। साथ में दोस्तों आपको एक एक्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ईपी एक्ट 1986 है ना, ये भी आपको अच्छे से, तो बस इतना ही पढ़ना है, यही आपसे एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। सो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।